बुराई पर, अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व देहरादून में धूमधाम से मनाया गया। बन्नू बिरादरी की ओर से परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रावण दहन के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। बन्नू बिरादरी की ओर से इस बार हंस पर सवार 60 फीट का रावण, 55 फीट के मेघनाथ और 50 फीट के कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। मंच पर पहुंचकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने लोगों को विजयदशमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश मजबूत बन रहा है। कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र के साथ शस्त्र, ये भी बहुत जरूरी है। और हमारे तमाम जितने देवी देवता हैं, हर किसी के हाथ में कोई शस्त्र है। सरस्वती विद्या की दात्री है, लेकिन उनके हाथों में भी पुस्तक है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज देश को जो जरूरत है भविष्य की, राफेल जैसे विमानों की, वो आज हमारे देश में हमको मिल रहा है। हमारे रक्षा मंत्री जी फ्रांस में जाकर शस्त्र पूजा के रूप में राफेल की पूजा करेंगे और एक राफेल भारत के लिए बहुत जल्दी भारत में पहुंच जाएगा। बुराई के साथ अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला दशहरे का पर्व आप देख सकते हैं। मैं परेड ग्राउंड में मौजूद हूं और ऐतिहासिक ये जो पल आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार आतिशबाजियां, तरह तरह की आतिशबाजियां परेड ग्राउंड में चल रही है। हजारों की संख्या में लोग इस आयोजन को देखने आ रहे हैं और एक जिस तरीके से एक ऐतिहासिक माहौल देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से विजयदशमी के पर्व को एक अच्छाई की, जिस तरीके से हार होती है और सच्चाई की जीत होती है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है एक बड़ा आयोजन बिन्नू बिरादरी की तरफ से भी किया जाता है। ये भी एक साफ तौर पर देखने वाली बात है किस तरीके से श्री राम ने बुराई को ख़त्म किया था और जिस तरीके से अहंकारी रावण का अंत हुआ, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से माना जा सकता है कि सच्चाई की आखिर जीत हुई। और आप पूरे ग्राउंड में, आप पीछे तरह की तस्वीरों में मैं कहना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से भीड़ और मंच भी सजा हुआ है, जहाँ पर बिन्नू बिरादरी की कमेटी के लोग भी मौजूद थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी कुछ देर पहले एक संबोधन भी किया था, जिसमें भगवान राम का जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर को लेकर जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आना है और जिस तरीके से एक अहम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है और राम मंदिर बनने वाला है, उसको लेकर एक अहम निर्णय भी होगा। और साथ ही माना जा सकता है कि इस बार मंदिर भी साफ तौर पर बनेगा, क्योंकि लोगों की आस्था का प्रतीक रहा राम मंदिर और विजयदशमी का त्यौहार जिस तरीके से हर्षोल्लासों के साथ मनाया जाए, तो कहीं ना कहीं अब दुगना हो जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, R9 TV देहरादून।